90 के दशक में, 90 के दशक से पहले जो कांग्रेस के नेता होते थे उनमें एक तबका था, कुछ लोग तो राजनीति सेवा के माध्यम से आते हैं पर कुछ लोग बूथ लूटने के माध्यम से आए और उनके लिए बूथ लूटा जाता था। फिर जो बूथ लुटेरे और गुंडे थे वो सोचे कि हम इनके लिए बूथ क्यों लुटवाएं, इससे अच्छा हम क्यों नहीं विधायक सांसद बन जाए। तो 90 के दशक में लालू जी के राज में एक तबका आया, किसी भी समाज का गुंडा मवाली हो वह विधायक और सांसद बनना शुरू हो गया। इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। बता दें आपको कि संजय जायसवाल ने लालू यादव पर एक बार फिर से हमला किया है। लालू यादव के शासनकाल को जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने कल जोड़ा था और आज प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 90 के दशक में बूथ लूटने का कुछ लोग काम करते थे और उसके बाद जो सामान्य जब समय बाद हुआ तो कुछ लोग जो है वो राजनीति को धंधा बना लिए और अब धंधेबाज जो है वो राजनीति में आया। प्रशांत किशोर को लेकर लालू यादव पर भी किस प्रकार से उन्होंने हमला किया है सुनवाएंगे उस बयान को। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की सियासत में लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने धंधेबाज बताया है प्रशांत किशोर को और लालू यादव के शासनकाल को बूथ लुटेरा बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुनवाते हैं उनके बयान। देखिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग प्लेस बनाया है और इसमें सबसे सस्ता सामान आप खरीद भी सकते हैं और जो महिला उद्यमी है जो कुटीर उद्योग चलाती हैं वो अपना सामान बेच भी सकती हैं, पर आम महिलाओं को इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने महिला मोर्चा के द्वारा एक पूरा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है कि सभी बिहार की महिलाएं जानें कि कैसे वो जो सामान छोटे स्तर पर बनाती हैं वह जीएम पोर्टल पे कैसे जाके बेच सकती हैं, या मान लीजिए महिलाएं हैं जो शर्ट बनाती रेडीमेड शर्ट का उत्पादन करती हैं तो सबसे सस्ता धागा स्टिच के लिए बटन्स ये सब कैसे मिलेंगे, कॉलर्स वो सब किस तरह से आप ले सकती हैं सबसे सस्ते में, लोकल व्यवसायी ज़्यादा महंगा आपको बेच सकता है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। और जो भी जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है वो बिना निविदा के सीधे कोई भी सरकारी खरीद भी हो सकती है। मुझे खुशी है कि जो 50,000 करोड़ का पहले लक्ष्य था उसको बढ़ा करके जब से महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह महिलाओं को उद्यमियों को इसके लिए आकर्षित करने शुरू किया है तो हम अभी 1.5 लाख करोड़ तक के इसके बिजनेस में पहुंच चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 30 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए 90 के दशक से पहले जो कांग्रेस के नेता होते थे उनमें एक तबका था, कुछ लोग तो राजनीति सेवा के माध्यम से आते हैं पर कुछ लोग बूथ लूटने के माध्यम से आए और उनके लिए बूथ लूटा जाता था। फिर जो बूथ लुटेरे और गुंडे थे वो सोचे कि हम इनके लिए बूथ क्यों लुटवाएं, इससे अच्छा हम क्यों नहीं विधायक सांसद बन जाए। तो 90 के दशक में लालू जी के राज में एक तबका आया, किसी भी समाज का गुंडा मवाली हो वह विधायक और सांसद बनना शुरू हो गया। 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहता था कि हम जाति के नाम पे समाज सेवा में आए, हमको कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद वो जाति का मीटिंग करेगा समाज सेवा के नाम पर और फिर नेता बन के उनको बेचने का काम करेगा। यह एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, पहली बार है कि कोई राजनीतिक धंधेबाज जिसका धंधा राजनीति हो वह अब आए हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। तो राजनीतिक धंधेबाज हैं तो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे धंधा चलाना है, लेकिन यह एक अच्छा प्रयोग है कि जिसके लिए राजनीति धंधा हो वह राजनीति करे तो देख लो। संजय जायसवाल जी,